पांच वर्ष आगर जाणीहब कण हेबो रोग 2028 किए रोग जणाईदेव भुवनेश्वर एम्स भुवनेश्वर एम्स और भुवनेश्वर आईआईटी मध्यरे एमओयू आपण एबे 2023 सुस्थ अछंती बंचिछंती हेले पांच वर्ष पर अर्थात 2028 बेलकु आपणकर की रोग हेबो रोग जोगु की स्थितिर सामना करिबे से कथा भुवनेश्वर एम्स जणाई देई पारिबो। भुवनेश्वर एम्स नुआ टेक्नोलॉजी व्यवहार करबाकु जाउची आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी माध्यम रे पांच वर्ष पर की रोग हेबो जणा पड़िबो। चिकित्सा विज्ञान रे एबोली एक वैप्लविक परिवर्तन आनिबा लागि भुवनेश्वर एम्स और आईआईटी भुवनेश्वर मध्यरे बुझामणापत्र स्वाक्षर होईछि। आगको दुई संस्थान मिलित भावे चिकित्सा गवेषणा उपरे कार्य करिवे। भुवनेश्वर एम्स रे एक्सरे एमआरआई आदि रे एही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ज्ञान कौशल प्रयोग करा जिवो। एआई टेक्नोलॉजी व्यवहार द्वारा रोगर सठिक आकलन होई परिवो एमिती कि रोगर सठिक चिकित्सा मध्ये होई परिवो। कैंसर क्रोनिक डिजीज भली रोग क्षेत्र रे एहा विशेष लाभदायक हेबो बोली कहिसंती एम्स कार्यनिर्वाही निर्देशक प्रोफेसर आशुतोष विश्वास। जैसे अभी हमारा हम लोगों का ह्यूमन एरर है, ह्यूमन जैसे स्लाइड देखते हैं उसमें हम इतना प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो यूजिंग दिस जैसे ब्लड टेस्ट वो सैंपल से भी हम बता सकते हैं कि इनमें क्या होने वाला है फ्यूचर में। तो छोटा छोटा जैसे माइक्रो लेवल में हमें डायग्नोसिस मिलेगा जो हम नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करके हमें नहीं पता चलता, बीमारी डायग्नोसिस नहीं कर पाते, ये यूज करने से तुरंत 100% हो जाएगा। ट्रीटमेंट में हेल्प होगा, डायग्नोसिस में हेल्प होगा, तो वो भी हमें बता देगा कितने परसेंट आपको इम्प्रूवमेंट होगा। आज क्रोनिक डिजीज जैसे टाइम लगता है। चिकित्सा विज्ञान सह इंजीनियरिंग रो एभली सहभागिता देशरे अन्यतम। सेहीपरी एम्स भुवनेश्वर एवं आईआईटी भुवनेश्वर मिलित भाव मेडिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम विकास करी सेथिरे डिप्लोमा और डिग्री कोर्स प्रदान करिवे। स्वास्थ्य सेवा टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट रो मिश्रण रे समाज रो उन्नति आनिबा एही एमओयू रो मूल उद्देश्य बोली कहिसंती आईआईटी भुवनेश्वर रो निर्देशक। कि पांच साल पहले हम कैसे बता सकते हैं कि किसी को कैंसर होने वाला है, तो उसका जो डेटा सब रहता है उसको प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। ये ऐसा ही है जैसे ये बताना कि 6-7 दिन के बाद एक तूफान आने वाला है, ये पहले कैसा बोल सकते हैं? तो उसका डेटा सब रहता है, बहुत सारा डेटा रहता है, उसको हम प्रोसेस करके फिर ये निकालते हैं। सेहीपरी आईआईटी भुवनेश्वर एक सेंटर ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खोलिब। एही सेंटर एम्स भुवनेश्वर रु डाक्तरंक थारु आसिबाकु थिबा रोगीक तथ्य आधार रे विभिन्न प्रकार एआई आधारित उपकरण तयारी हेबो जहा कि रोग चिन्हट पई व्यवहार हेबो और रोगर आगुआ आकलन करा जाई परिबो। भुवनेश्वर रु कपिलेन्द्र प्रधान रिपोर्ट, ओडिशा रिपोर्टर।